आज बनाएंगे प्याज की एक वर्सेटाइल चटनी, जिसे आप किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए 5 मीडियम साइज़ के प्याज, रफली चॉप किए हुए। पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालें, जिसमें 15 से 16 लहसुन की कलियां 1 मिनट तक भून के फिर ये प्याज डाल दें। प्याज को तब तक भूनें जब तक वो ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। अब इसमें एक नींबू साइज़ बॉल तक की आप इमली डाल, बस अब 2 मिनट और भूनें और गैस ऑफ करके इसे ठंडा कर लें। अब तड़का पैन में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा लेके हल्का रोस्ट कर लें और इसी में 4 से 5 लाल मिर्चें साबुत डाल के भून लें ताकि उनका मॉइस्चर निकल जाए। जैसी खुशबू आने लगे इसमें 1/4 टीस्पून सिर्फ मेथी दाना डालें, ठंडा करें और बिल्कुल महीन पाउडर बना लें मिक्सी में। इसी तरीके से जो प्याज वाला मिक्सचर था उसको भी हमें मिक्सी में स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालना है, उसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून उड़द दाल डाल के भून लें। अब आप इसमें 1 टीस्पून कलौंजी या मगरेला जिसे कहते हैं वो डालिए। 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालिए। 5 से 10 सेकंड भूनिए और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालिए और जो मिक्सी के कप में लगा रह जाएगा ना निकालने के बाद, उसमें 1/4 कप पानी डाल के उसको भी अच्छे से घोल के इसी मिक्सचर में हम डाल देंगे ताकि जो है हमारा कुछ भी इसमें से चटनी का वेस्ट ना हो। डालते जाइए और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे भूनते जाइए तब तक कि आपका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के नमक डालना है और जो पिसे मसाले थे वो, और ये देखिए मैं इसे चलाती जा रही हूँ और ये बहुत बढ़िया तरीके से अब ये ऑयल छोड़ने लगा है। हमारी चटनी तैयार हो गई है, बस 1-2 मिनट में और तैयार हो जाएगी। आपने चलाते रहना है, देखिए अगर छोड़ देंगे तो नीचे लग जाएगी, अगर आप कच्ची छोड़ देंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको चलाते रहना है खूब बढ़िया से। चटनी रेडी है, अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ। इसको जब चाहे तब मर्जी आप इंजॉय कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत